अभी हम खड़े हैं पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के आवास पर। यहाँ पे विक्रम प्रखंड से कुछ पीड़ित लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घोटाला हुआ है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ जीतनराम मांझी के घर पहुँचे हैं और अपनी फरियाद लेकर यहाँ पे उनसे गुहार लगाने आए हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए क्या परेशानी हुई आप लोगों को? सर जी, इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वहाँ पे आवंटन हुआ 108 को जो पूरे विभाग पंचायत में है सर, तो वहाँ के विकास सहायक है वो गरीब लोग के पास जाके कहता है कि आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है तो ये राशन कार्ड नहीं है तो ये नहीं है, डरा कर लोगों से 35-35 हज़ार रुपया 30 हज़ार तक 30 से 35 हज़ार गछवा लेता है। फिर उसके बाद जब निकासी होता है तो उस टाइम बैंक में ही 50 हज़ार निकासी हो रहा है तो 30 हज़ार रुपया ले रहा है, बैंक के बाहर ही ले रहा है या किसी किसी को तो बैंक में भी लिया गया है। तो इस तरह का घटना धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। मेरी पत्नी जो पंचायत समिति है कृति यादव, मैं सिप में काम करता है सर, तो 6 महीने बाद आया यहाँ पे, तो जैसे 15-20 दिन हुआ मेरे को आया हुआ, जब पता चला कि तो पूरा पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है, 30 से 35-35 हज़ार तक लिया गया है। सिर्फ मेरा ही पंचायत नहीं, कितने लोग होंगे? 108 है सर, 108 30 से 35 लाख का ही घोटाला। हमारा पंचायत है सर, प्रखंड के तो मैं छोड़ ही दिया हूँ आज, जो कि पूरा पंचायत पूरा प्रखंड में ही कांड हुआ है। आप बताइएगा क्या हुआ था आप लोग? हमने सर बोला कि 50 हज़ार रुपया निकाले, तब बोला मुखिया वार्ड सब मिल के कहा कि हम लोग 30-30 हज़ार रुपया खाएंगे। आगे पर बोला कि घूस रुपया 5-6 हज़ार दो तो काम होएगा, तो हमने डर जगा के हमने सूद बाटा करके दे दिए। तो पैसा निकाले तो 30 हज़ार मांग लेलन जने पर ही निकाले बैंक से, हम लोग से पैसा ले लेलन। कौन लोग पैसा लिए? लेलन राज वाला मरजीत। हाँ, तो आपने देखा जिस तरीके से इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलने वाली थी उसे निकालने में भी 20 से 30 हज़ार रुपये लोगों से लिया गया। आप देख सकते हैं हमारी दाई ओर कई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, विक्रम प्रखंड से तकरीबन 100 लोग हैं यहाँ पे, और जीतनराम मांझी से मुलाकात भी की है। जीतनराम मांझी ने आश्वासन भी दिया है, और हम बात करते हैं हम के प्रवक्ता से। हाँ बताइएगा नमाइके जी, क्या हुआ यहाँ पे, क्या आश्वासन जी? देखिए यहाँ आज सैकड़ों की संख्या में हमारे दलित परिवार के लोग आए हुए हैं। विक्रमगंज जो पटना जिला का प्रखंड है, और वहाँ पे ये बहुत बड़ा कंप्लेन आया है। लगभग 108 लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों से 30-30 हज़ार रुपया वसूला गया है, और पहले जब उनकी किस्त जारी की जाती है उसी वक्त पैसा लिया जाता है या पहले। अभी अभी ये लोग हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी से मिले, उन्होंने बताया कि हमारे भांजा से भी ले लिया गया था जो हमारे अपने भांजा है। और जब जांच गई वहां पे टीम जांच टीम पहुंची तो पता चला कि जांच टीम के पहुंचने से पहले ही उनको पैसा वापस कर दिया गया है और ईटा बालू सब गिरा दिया गया है ताकि वो ये दिखावा कर सके कि हमने काम करा दिया गया। तो हमारे मांझी साहब ने इनका आवेदन ले लिया है, वो जांच के लिए भेज रहे हैं डीएम के पास और कमिश्नर के पास, मुख्य सचिव के पास। लेकिन इन लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर जांच टीम पहुंचती है तो ये लोग सही सही बातों को बताएं वहां पर, ताकि ये दुनिया के सामने ये सच्चाई सामने आ सके और जिन जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है वो सभी पकड़े जाएं। बिल्कुल, काफ़ी ही बहुत ही चौंकाने वाला ये घोटाला है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें आवास के लिए ये राशि मिल रही थी, लेकिन उसमें भी 30-30 हज़ार पहले किस्त में लिया जा रहा था। जो जीतनराम मांझी ने इन लोगों को आश्वासन भी दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और अपने तरफ से वो पूरा प्रयास करेंगे इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। सूरज कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार, पटना, बिहार अपडेट्स।